अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि अभी सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है, आपने भी पढ़ी होगी, वो है अर्नब की चैट्स लीक। व्हाट्सएप के द्वारा जो उसने मैसेज भेजे थे बार्ग के, जो ये ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन होती है, उसके जो चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन पार्थो गुप्ता, उनके साथ उनकी जो बातचीत हुई है, तो अर्नब की बातें हमारे सामने आ गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो बातें उसने की है, वो बातें किसी भी देशवासी को, अगर वो देश से ज़रा सी भी मोहब्बत करता है, तो उसको समझ में आ जाएगी कि हाँ, इसने देशद्रोह किया है। अगर हम बात करें कि ये अर्नब नहीं होता बल्कि अकबर होता, तो फिर क्या होता? अभी तक तो उसको देशद्रोही का, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता, उसके साथ साथ उसके जितने बाकी सगे संबंधी थे सबको जेल में ठूस दिया जाता। तो छोटे छोटे मुद्दे में बता देता हूँ कि क्या आखिर इस चैट में क्या निकला। अर्नब की चैट से हमें कुछ बातें सामने जो आई, उसमें सबसे पहली चीज़ जो थी वो उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली थी, और वो थी कि जब पुलवामा में अटैक हुआ और हमारे देश के 40 जवानों ने अपनी जान निछावर कर दी, उस वक्त ये खुशी मना रहा था अपनी टीआरपी के बढ़ने के लिए, और उसने कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक जीत है। तो इस तरह देश पर जान लुटाने वाले हमारे जाबाज सैनिकों की मौत के ऊपर इसने खुशियां मनाई, पार्टी की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट को खुद स्वयं संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि इसने टीआरपी के लिए रिश्वत दी, और उसी के ऊपर ये केस चल रहा है, जिसके जरिए सब लीक जो चैट्स थी उसको महाराष्ट्र पुलिस ने सार्वजनिक किया। अब ये रिश्वत का भी मामला है, राष्ट्रद्रोह का मामला ऑलरेडी है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी चीज़ है, आपने देखा होगा कि जब अर्णव जेल गया, उसके बाद बहुत जल्दी उसको फ्री कर दिया गया। सबसे पहले बल्कि कहा गया कि ये तो मानव अधिकार का हनन है, उसको जल्दी छोड़ो। उसी चैट में ये भी लिखा हुआ है कि अर्णव पार्थो गुप्ता से जज को खरीदने की बात कर रहा है। तो क्या हमें ये सब चीज़ें मिली हुई नज़र नहीं आती कि कितनी गहराई तक उसकी पेट है, या ये कह लें कि इसके पास किस किस की कमजोरियां हैं? हो सकता है कि जिस दिन इसके ऊपर इस तोते के ऊपर हाथ रखा जाएगा, इसकी गर्दन पर हाथ पहुँचेगा, तो ये बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े जजों की पोल खोल डालेगा। इसीलिए तो कहीं इसको बचाया नहीं जा रहा, क्योंकि इसने जज को खरीदने की बात की। इसकी पेट देखिए आप कितनी अंदर तक है। उसके बाद एक वो जब कहता है पार्थो कि मेरा एक काम है, ये पीएमओ से होना चाहिए, तो कहता है फिक्र मत करो, हो जाएगा, हो गया। तो ये हमारे लिए समझने की बात है कि पीएमओ इसकी मुट्ठी में है। इसकी चेट से इस बात का भी खुलासा होता है। तो ये हमारे देश के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद शर्म की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री किसी एक न्यूज़ रिपोर्टर के, वो भी एक राष्ट्रद्रोही न्यूज़ रिपोर्टर के कहने पे काम करता है। इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर, जो हमारा मंत्री है सेंटर में, उनके बारे में कहा गया कि वो तो यूज़लेस है, और औरतों के बारे में भी पता नहीं क्या क्या बातें की, बहुत सारी बातें हैं। एक चीज़ जिसने मुझे झिंझोड़ के रख दिया, और ये हर सच्चे देशभक्त को झिंझोड़ के रख सकती है, हर एक सच्चे देश के मानने वाले नागरिक को झिंझोड़ के रख सकती है, और वो चीज़ जो है कि एयर स्ट्राइक जैसी एक खुफिया मिशन जो होने वाला था, उसका इसको पहले से पता था। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे मोहन भागवत साहब कहते हैं कि हिंदू कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी ISI के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, पकड़े गए, वो सब हिंदू निकले, मुसलमान कोई नहीं निकला, सब हिंदू निकले। तो अगर मान लीजिए कि इतनी बड़ा सीक्रेट कि एयर स्ट्राइक होने वाली है, इसको पता है, और ये राष्ट्रद्रोही पहले से ही है, और अगर इसने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी होती, और इसने लीक की, इसने ये इन्फॉर्मेशन पार्थ गुप्ता को एयर स्ट्राइक के एक दिन पहले लीक की, अगर वो चीज़ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को मिल जाती, तो हमारे कितने सैनिकों को अपनी जान गंवाना पड़ती। तो ये हमारे डिफेंस में बहुत बड़ी चूक है, ये हमारी आर्मी को दांव पे लगाने की एक साजिश है। और ऐसे राष्ट्रद्रोही के ऊपर मुझे लगता है कि भारत की उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करते हुए, सबसे पहले इसे जेल में डाला जाए, और इसके न्यूज़ चैनल को बंद किया जाए, ताकि ये और अफवाहें ना फैलाएं, और इसके जो कनेक्शन है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर बैठा हुआ नेता हो, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर बैठा जज हो, चाहे वो किसी सरकारी ओहदे पर बैठा हो, उन सबको जेल में डालकर उनसे सख्त पूछताछ की जाए, ताकि समझ में आए कि इस तरह की आतंकी साजिशें रचने के लिए इसका किस किस ने साथ दिया है। तो ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारा मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो किस हद तक बिक चुका है, किस हद तक गिर चुका है, इनकी आत्मा किस तरीके से मर चुकी है। तो आइए हम सब इसको एक आंदोलन बनाएं, गोदी मीडिया #चलाते हुए
अर्नब दलाल चलाते हुए, अर्नब द टेररिस्ट, इन तरह के हैशटैग्स को चलाते हुए हम सुप्रीम कोर्ट तक अपना मोटो पहुंचाएं कि आप स्वयं संज्ञान लेकर इसे सख्त से सख्त सजा दें। फी अमानिल्लाह दोस्तों।